हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी नोट का फाइनली RIP हो चुका है। हाँ दोस्तों, एक तरीके से कंफर्म हो चुका है कि अब सैमसंग गैलेक्सी नोट के हमें कोई भी और स्मार्टफोन वगैरह आते हुए देखने को नहीं मिलने वाले, कंफर्म हो चुका है फाइनली। हाँ तो साउथ कोरियन मीडिया रिपोर्ट की तरफ से खबर सामने है, जो कि ET न्यूज रिपोर्टिंग की तरफ से सामने आई है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि सैमसंग ने ये डिसाइड कर लिया कि नोट सीरीज को कम्प्लीटली विड्रॉल करने वाले, यानी कि उस सीरीज को अब छोड़ने वाले। इसके में कोई भी स्मार्टफोन वगैरह आप इस सीरीज अब कोई भी स्मार्टफोन हमें आते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि आप समझ जाओगे अब 2022 में हमें कोई भी नोट सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है। अब नोट सीरीज के जो भी फैन है उनको ये सब सुन के बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है, क्योंकि अब इस वजह से दिक्कत देने वाली बात नहीं है। एक बार मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अब यही जो सीरीज है ना, ये नोट सीरीज ये अब डिफरेंट नेम से अब हमें डिफरेंट नेम के साथ में आती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन बस ये कि अब एक सीरीज की तरह नहीं आएगी, बस ये अब डिफरेंट नेम के साथ में आने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा, अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पर जो S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन था, वहाँ पर हमें S पेन देखने को मिला था, जहाँ पर ये बहुत पहले कन्फर्म हो चुका था कि यहाँ पर हमें कोई भी अब नोट सीरीज आती हुई देखने को नहीं मिलने वाली है। और वैसे भी नोट सीरीज को अब जो सैमसंग की Z Fold सीरीज है ना, उस लाइनअप ने यहाँ पर नोट सीरीज को रिप्लेस कर दिया है दोस्तों। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि जो नोट सीरीज जो स्मार्टफोन अब हम नहीं आते हुए देखने को मिलेंगे, उसकी जगह अब नोट जो हमें सैमसंग का जो S22 अल्ट्रा आएगा, वहाँ पर हमें S पेन का वगैरह देखने को मिलेगी, जो कि नोट सीरीज का आपको बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं, जो आपको नोट सीरीज कमी महसूस होने नहीं देने वाली, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। जैसे को पता होगा, जो S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन होने वाला, वहाँ पर हमें S पेन भी देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि नोट सीरीज के जैसे लुक के टाइप में ही आने वाला है। तो वैसे दोस्तों, आपको क्या उस S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन का इंतजार है, आप थोड़ा सा कम से कम जरूर बताइए। और हम तो अगर आपको लाइक कर दिया अपने दोस्तों शेयर कर दो, और दोस्तों आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।